बिना मिट्टी के इस प्लास्टिक की बोतल में लहसुन उगाने का ऐसी ट्रिक आपको बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमारे पास ये एक प्लास्टिक की खाली बोतल है। इस खाली बोतल के अंदर कैसे हम लहसुन उगाकर आपके सामने दिखाते हैं, वो भी बिना मिट्टी के, बिना केमिकल के, बिना खाद दवाई के। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक प्लास्टिक की खाली बोतल लेनी है और इस खाली बोतल पर हमें मार्कर की सहायता से इस पर निशान लगा लेने हैं। ऐसे करके देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर ऐसे निशान लगा लेने हैं। देखिए हमने चार होल मार्कर से कर लिया इस प्लास्टिक के ऊपर और इस प्लास्टिक के ऊपर से इससे एक कटर की सहायता से हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे ऐसे करके। तो ये ट्रिक दोस्तों इतनी अच्छी है तो आप इसे घर पर भी लहसुन को इस तरीके से आप अपने घर पर लहसुन को उगा सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए वीडियो में बने रहिए, मैं आपके सामने बताता हूँ किस तरह से मैंने आपके सामने लहसुन को उगा कर दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर ये छेद कर लिया है। ये देखिए मैंने इस तरह से दोनों बोतल के अंदर ये छेद कर लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पास ये लहसुन है और इस लहसुन से ये देखिए ये मेरे पास लहसुन की पोथी है और इस लहसुन की पोथी से मैं ये जो ऊपर का छिलक है ये सारा छिलक मैंने इसको उतार लिया है। ये जैसे कि मैंने पहले से इसको उतार रखा है, देखिए ये छिलक ये इधर आ चुका है छिलक। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये मेरे पास जैसे एक पोथी है लहसुन की पोथी है, इस लहसुन की पोथी को मैं ऐसे यहाँ से इसकी चक्कू की सहायता से ऐसे कट कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके आपको ये लहसुन को कट करना है और ध्यान रहे दोस्तों ये लहसुन की ये जो डंडी होती है इसको कट मत करना है, ये यहाँ पर ऐसे ही रहने देना है। जैसे कि देखे मैंने यहाँ पर डंडी को इसको छोड़ा है, लहसुन की डंडी होती है जो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके इसको कट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों मेरे पास ये बोतल है, अब आपको क्या करना है, इस बोतल के अंदर आपको ये पानी भरना है। यहाँ पर ये पानी है, ये मेरे पास एक मटका है जो कि मटके में नॉर्मल पानी है, इस नॉर्मल पानी को मैं इसमें भर लेता हूँ यहाँ से जहाँ पर मैंने छेद किया है। इस छेद के अंदर ये इसको टुंटी को डालकर ऐसे ये देखिए मैं इसके अंदर पानी भर रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके अंदर पानी मेरा भर चुका है और भरने के बाद देखिए दोस्तों ये यहाँ पर ऐसे करके ये मैंने यहाँ पर पानी को भर दिया है और पानी भरने के बाद ये देखिए ऐसे करके मैंने इसको यहाँ पर एक स्पॉट लगा दिया। तो इस तरह से दोस्तों मेरे पास ये जो दूसरी बोतल है, इस दूसरी बोतल में भी ऐसे करके मैं इसमें भी पानी को भर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर ऑलमोस्ट पानी है भर चुका है देखिए। तो ये देखिए हमारे दोनों पानी का लेवल अब बराबर हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, देखिए ये मेरे पास एक लहसुन की पोथी है जो इस पोथी को अगर इसमें आपको लगता है कि कोई ख़राब पोथी है लहसुन की तो उसको वहाँ से हटा दीजिए ऐसे करके। देखिए जैसे कि इसमें लहसुन की पोथी ख़राब दिख रही है इसको आपने हटा देना है और साफ मोटी पोथी होनी चाहिए। ये देखिए अब इसके बाद क्या करना है, ये हमें यहाँ पर ऐसे इसके अंदर रख देना है, यहाँ पर ऐसे करके रखना है और इस तरह से ये दूसरा जो लहसुन है हमारे पास इस तरह से ये ऐसे करके यहाँ पर रख देना है और तीसरा ऐसे करके यहाँ पर रख देना है और ऐसे करके ये सभी में ही सीरियल वाइज ऐसे करके रखते जाना है आपने। ऐसे करके आप इसमें सभी में रखते जाएंगे ऐसे करके, ये सभी के अंदर ऐसे करके आपने रखना है। तो ये देखिए दोस्तों अब हमें जो चीज़ सबसे मेन जरूरी है ध्यान देने वाली बात है इसमें, सबसे पहले आपने क्या देखना है, अगर हमने इसके अंदर ये पानी को डाला जैसे कि हमने पोथी रखी है तो ये इतना जरूर होना चाहिए कि पोथियाँ जो हमारी इसके अंदर पानी टच होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमारा जैसे टच नहीं हो रहा है तो अब हमें क्या करना है, थोड़ा और पानी डालना है इसके अंदर और पानी डालने के बाद जिससे कि हमारी ये पोथी इसमें टच हो जाए। तो जब तक टच नहीं होगी तब तक ये ग्रोथ नहीं होगी इसमें और ये उग भी नहीं पाएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा हमारा लहसुन है जो। तो ऐसे करके आपने इसको अब देखिए ये इस तरह से ये टच हो चुका है, यहाँ पर गीला हो चुका है, ये गीला रहना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों हम लहसुन को एक बहुत ही अच्छे तरीके से और अपने घर पर उगा सकते हैं। अब हमें ध्यान देने वाली कौन सी बात है दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि जैसे ही हमने लहसुन को ऐसे करके उगा दिया है, अब हम इसे कहीं ऐसे सूरज की रोशनी में, अगर आप सर्दी में लहसुन उगा रहे हैं तो आपने इसको सूरज की रोशनी से 2 घंटे 3 घंटे के लिए सूरज की रोशनी में रखना है। अगर आप गर्मी में लहसुन को उगा रहे हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसके लिए आपको ये लहसुन को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर थोड़ा छांव हो, थोड़ा धूप हो, थोड़ी बहुत देर के लिए धूप आती हो तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा आप धूप में रखोगे इसमें गर्मी में तो ये लहसुन सूख जाएगा और उग भी नहीं पाएगा ऐसे तरीके से। और इसके अंदर का दोस्तों ये जो पानी है, इस पानी से क्या करना है,
ये पानी है जो हमें एक हफ्ते के अंदर इसको बदलना है पानी को, एक हफ्ते के अंदर इसको 1 वीक में इसको चेंज करना है पानी को, जिससे कि ये एक बढ़िया नॉर्मल पानी, आप नॉर्मल पानी इसमें डालना है वो, जिससे कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ होएगी इसकी, लहसुन जो है इसमें ग्रोथ हो पाएगी। और सबसे अच्छा तरीका भी ये है कि लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि आपने जो ये लहसुन इस तरीके से उगाया है तो क्या इसमें कोई केमिकल वगैरह या कोई पेस्टिसाइड खाद वगैरह डाला है, तो इसमें मैंने कोई खाद वगैरह कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो इसमें जैविक खाद वगैरह कुछ भी थोड़ा बहुत डाल सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं होती, आपने ताज़ा पानी डालना है और ताज़ा पानी डालने की वजह से ही आप इसको 1 वीक के लिए, 5 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए ऐसी जगह रख दोगे जहाँ पर थोड़ी धूप या छाँव, तो ये ग्रोथ हो जाएगा। तो इस तरह की वीडियो मैं आपको बहुत सारी और भी सारी दिखाता रहूँगा दोस्तों। तो वीडियो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।